हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा MI 11X 5G फ़ोन है, तो MI 11X 5G फ़ोन में नेटवर्क इश्यूज प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क इश्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं MI 11X 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है रीसेट। तो हमने सर्च कर लिया रीसेट, तो रीसेट सेटिंग को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। और जो भी हमारी फ़ोन की नेटवर्क इशूज प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करें, तो इस पर जाएंगे और जो भी नेटवर्क सेटिंग होगी उसको हम यहाँ से रीसेट कर देंगे। ओके करते ही जो हमारी नेटवर्क सेटिंग है रीसेट हो जाएगी और यहाँ पर ये नेटवर्क रीसेट का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नेटवर्क इशूज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपनी फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। और साथ में ही जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो सिंपल आप फ़ोन की कनेक्शन एंड शेयरिंग सेटिंग पे जाकर भी नेटवर्क इशूज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सिंपली हमारे फ़ोन आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते आपको सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स पर जाते ही हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं कनेक्शन शेयरिंग का। तो इसको ओपन करेंगे, आपको इसको ओपन करना है। जो भी हमारी नेटवर्क इश्यूज प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए यहाँ से उसके डाटा को हम रीसेट कर देंगे। देख सकते हैं कि आपको राइट पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करते जो भी नेटवर्क डाटा हमारे फ़ोन से रीसेट हो जाएगा और जो भी नेटवर्क इश्यूज प्रॉब्लम थी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप नेटवर्क इश्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में जैसे आप वाईफाई या मोबाइल डाटा या ब्लूटूथ डाटा को भी रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप नेटवर्क इशूज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने MI 11X 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।